छिल ले, छिल रही थी, छिल ले, छिल ले। नरम तो किया जाएगा। एक सच सुनना पसंद करेंगे आप? आप कैमरे की कैद में हैं, ठीक है? कहाँ है? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो अभी कल सुबह हमें निकल जाना है, सुबह सुबह। फौजी साहब का तो कहना है कि 4-5 में बिल्कुल, 4 या 5 बजे तक बिल्कुल निकल जाए हम। तो सब लोग सो गए हैं, मैं रात को जग के पैकिंग कर रही हूँ। हमेशा ही मेरे साथ यही होता है कि जब भी निकलना होता है तो पूरी रात ही मुझे जगना पड़ता है, क्योंकि सब चीज़ों को व्यवस्थित करना और पैकिंग इतना आसान नहीं होता यार। अभी शादी में जाना है हमें, तो शादी के लिए सारा मैचिंग करना, स्माइली का, मीरा, उनके डैडा का, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल का काम है सारा मैचिंग करना। और आप लोग देखते हैं मैं सारी ही चीज़ें मैचिंग ही पहनती हूँ, तो उसको एक जगह करना, जितने भी ड्रेसेस लेके जाओ उसका मैचिंग करना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है पैकिंग करने में। तो वही सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो चलिए देखिए क्या क्या कर लेती हूँ, तो आप लोग भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए। हेलो गाइस, तो ये वीडियो मैंने स्टार्ट करी थी मॉर्निंग से ही, और आज मैंने मॉर्निंग का नाश्ता बनाया था पोहा। ये इधर प्याज कट कर लिया मैंने, मिर्चा, मूंगफली, और ये पोहा। मैं बस सिंपल सा पोहा बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी ज़रूर कमेंट में शेयर करना। जो भी होता है तामझाम, जैसे सरसों का तड़का, जो भी मतलब ये सब तड़का तुड़का मैं नहीं देती हूँ, बस मिर्चा मूँगफली फ्राई करके और हल्दी ऊपर से जो भी पाउडर पाउडर होता है छिड़क के, और पोहा को धुल के उसमें डाल देती हूँ। तो हमें ये बहुत टेस्टी लगता है। और तामझाम इसलिए नहीं करती हूँ, मुझे रेसिपी आता है पोहा का, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट क्या है ना कि स्माइली खाती नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी तो सरसों सरसों देख के वो खाती नहीं है। ये सिंपल सा रहता है तो मैं उसको बोलती हूँ स्माइली ये फ्राई चावल है, तो वो ऐसे करके खा लेती है, नहीं तो पोहा के नाम पर ही वो नहीं खाती है। तो इधर देख सकते हैं मसाला वगैरह भुना गया, उसके बाद अभी इसमें मैंने डाल दिया पोहा और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए, फ्राई कर लिए, और सबसे लास्ट में मैंने ये चाट मसाला छिड़क देती हूँ ताकि थोड़ा खट्टा मीठा मतलब सारा टेस्ट आ जाए। यकीन मानिए इसको कभी आप ट्राई करिएगा, चाट मसाला छिड़क के इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना यम्मी लगता है ना कि कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बहुत टेस्टी पोहा रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मेरा पोहा रेडी हो चुका है, फिर फाइनली हम जाके खा लेते हैं। तो अभी आपको फौजी साहब किचन में देख रहे हैं क्योंकि हमारे घर चिकन बन रहा है, तो लहसुन और प्याज काटने की ड्यूटी फौजी साहब की होती है। आपको पता है फौजी साहब ने देख लिया कि मैं उनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो सबको छोड़ छाड़ के चले गए, तो अब सब मुझे ही करना पड़ेगा। लहसुन सब छोड़ के चले गए, मैं छीलूँगी चिकन, अभी डाल रही हूँ उसको फ्राई करना, मतलब सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई। मुझे लगा था कि आधा हेल्प वो करवा देंगे, लेकिन वो गुस्से में चले गए, उनको नहीं पसंद कि वीडियो मैं शूट करूँ ये सारी चीज़ें। तो बस लग गई हूँ मैं कामों में, अभी लहसुन छीलूँ कि क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये देख सकते हैं 2 दही का डब्बा ख़राब हो गया, फ्रिज में रखा जाता है ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि फ्रिज में क्या है क्या नहीं है, मतलब मैं नोटिस नहीं कर पाती हूँ, जो चीज़ फ्रिज में रहता है पड़ा ही रह जाता है। तो अभी आज मैंने देखा तो वो उसका डेट एक्सपायर हो गया है, तो अब हमें फेंकना पड़ेगा। आपको पता है फौजी साहब शुरू से ही मेरी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता है शुरू से ही कि मैं कैसी हूँ, कामचोर हूँ, क्योंकि शादी से पहले ही मैंने बता दिया था कि मुझे कुछ नहीं आते हैं घर के काम, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं सब कुछ सिखा दूँगा। और अभी देखिएगा कुछ टाइम में वो बस आने ही वाले हैं, क्योंकि वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मतलब करने ही नहीं देंगे। बात सही है, आप ना रहे तो आपके बिना मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है। भूखे मरेगी भूखे, है ना? सारा काम तो आप ही करते हैं, है ना? और क्या, है ना? बस आप ही के यहाँ गुजारा हुआ है ना मेरा, हाँ? दूसरी जगह गुजारा नहीं है। क्या होता दूसरी जगह?
हमेशा गार्डन बनाता है, किचन किचन गार्डन बनाता हूँ हमेशा। मेरे बारे में कुछ बोलिए ना, मैं कितनी अच्छी हूँ। बोलते दिए क्या बोल दिया? और कुछ थोड़ा तारीफ करिए मेरे बारे में कि गुजारा नहीं होता कि थोड़ा अच्छा वाला तारीफ करिए। ये तो हो गई शिकायत मेरी। अब थोड़ा अच्छा वाला तारीफ करिए। अच्छा वाला क्या बात? आप मुझे कितना मानते हैं? वो तो वही नहीं खड़े सच सुनना पसंद करेंगे आप? आप कैमरे की कैद में हैं, ठीक है? कैमरे की कैद में हैं आप। हाँ नहीं है ना? कहाँ है? और यार मेरा फोन तोड़ दिया। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, अब बारी है खाने की। तो मैं बना लेती हूँ रोटी, और रोटी बनाने के बाद चावल सब कुछ बन के रेडी हो गया है। बस रोटी रोटी सेकना है, तो रोटी तो गर्म ही सेकते हैं जब खाना होता है। तो रोटी बना के उसके बाद हम लोग खा लेंगे। उसके बाद बता नहीं सकते कितना काम है मुझे। देखिए अभी चल रही है हमारी पैकिंग, और ये सारे स्माइली के ड्रेसेस सब कुछ रखना है। इधर फौजी साहब के एक पास करके रख लिए हैं, अब उसको बैग में भरना है। तो कर लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रखनी है तो रखती हूँ। देख सकते हैं स्माइली के लिए अभी क्या है ना, ठंडी का सीजन है तो मैंने बहुत सारे उसके ना मतलब 5-6 जोड़े ट्रैक सूट ही ले लिए हैं, क्योंकि ट्रैक सूट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए। ठंडी भी नहीं लगती है, फुल रहता है और स्मार्ट भी लगता है। तो मुझे तो ट्रैक सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शादी से पहले मैंने भी बहुत ट्रैक सूट पहना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं स्माइली को भी ज़्यादा पहनाती हूँ। अभी सर्दी का सीज़न आ गया ना, तो वो सिर्फ ट्रैक सूट में ही दिखने वाली है। तो मैं मार्केट गई थी तो उसके लिए 5-6 जोड़े ट्रैक सूट लेके आ गई, सारे ही कलर के, लाल, पीला, ब्राउन, गोल्डन, सारे कलर के लेके आ गई। अभी ये येलो कलर है ना, येलो एक ट्रैक सूट लिया, तो ये तो मुझे लग रहा है कि शादी में भी मैं पहना दूंगी हल्दी के टाइम पे, क्योंकि ठंडी का सीजन रहेगा तो मतलब ऐसे कपड़े, नॉर्मल कपड़े वो नहीं पहन पाएगी। तो मैं सोच रही हूँ ट्रैक सूट ही डाल दूंगी, येलो कलर हो जाएगा। तो यही सारी कर रही हूँ मैं, तो चलिए अभी कर लेती हूँ और जैसे जो भी होता है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? इधर देखिए सारे कपड़े फैले हुए हैं सारे, तो चलिए अभी दिखाती हूँ मैं, ठीक है? हे गाइस, तो अभी मैं कर रही थी अपनी चूड़ियाँ सेट, देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और इधर भी देखिए सारा फैलाया हुआ है। मैंने छाट के ये सब रखे हुए हैं लेके जाने के लिए, और चूड़ियों का समझ में नहीं आ रहा। तो जो मैचिंग चूड़ा है वो सारे चूड़े मैं ऐसे रख ले रही हूँ, लेकिन ब्लैक कलर पे तो चूड़ा नहीं चलता है, तो एक मुझे ब्लैक भी पहनना है। तो वो सारी चीज़ें तो आप लोगों को सरप्राइज ही मिलने वाली है कि कौन कौन से मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ, कौन कौन सी साड़ियाँ पहनने वाली हूँ। तो उसमें से एक ब्लैक कलर भी होगा। तो मैं ऐसे चूड़ियाँ सेट कर रही थी, और इसमें सारे ना मेरे चूड़ियाँ ही हैं, ये देख सकते हैं ये सारे फैले हुए हैं, और मैं नीचे ही बैठ गई हूँ, देख सकते हैं आप। मुझे ठंडी भी नहीं लग रही है जाने का, इतना जुनून है और मैचिंग करने का इतना जुनून है। बस जैसे तैसे सब फैला हुआ है, रूम भी अभी आके ही सेट हो पाएगा, कितना भी करो ना, लेकिन बाप रे काम ख़त्म ही नहीं होते। तो फाइनली मैंने ऐसे ये चूड़ी सेट कर ली, और इधर भी छांट के रखी हुई है। तो चलिए आगे आगे का मैं दिखाती जाती हूँ। अभी बज चुका है, 12 बज गया है, तो अब बस फटाफट से इसको क्लोज करना है। क्लोज करके फौजी साहब ने बोला था कि शाम को ही गाड़ी में डाल देंगे सब कुछ, हम लोग कार से ही जाएंगे, लेकिन करते करते 12 बज गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ आधे घंटे में सब कुछ क्लोज कर लूँ, ताकि कार में हम डाल दें, ताकि सुबह में आसानी से हम निकल पड़ेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, ठीक है? हे गाइस, तो अभी बज चुका है 3, और मेरी आँखें देख सकते हैं रेड रेड हो गई है। मैं नहीं सोई अभी, और अब सोऊंगी भी नहीं, क्योंकि अब से क्या ही सोऊंगी, अगर सोऊंगी तो फिर नींद नहीं टूटने वाली है मेरी।
तो अभी लग जाऊंगी मैं किचन में, क्योंकि हमने सोचा था ना कि रास्ते के लिए हम कुछ कुछ खाना बना लेंगे, क्योंकि स्माइली फिर रास्ते में खाती नहीं है। रेस्टोरेंट का तो हम फिर भी खा लेंगे, लेकिन स्माइली नहीं खाती है, तो उसके लिए मुझे बनाना है। तो दो तीन चीज़ें मैंने शाम को ही तैयारी करके रख दी है, तो अभी मैं जाती हूँ किचन में और बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 3:15 हो गया है, तो 1 घंटा तो बनाने में भी लग जाएगा, जबकि मैंने सारी तैयारी ना रात को ही करके रख दी है। तो उसके बाद अभी फौजी साहब को जगाऊंगी, तो सारा सामान कार में वो रख देंगे। उन्होंने तो बोला था कि शाम में ही हम सारा सामान रख देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। मेरा पैकिंग ही ख़त्म नहीं होता है, मैचिंग मैचिंग करते 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 फाइनली 3 बजे तक मेरा क्लोज हुआ है सारा चैप्टर। फिर भी घर तो इतना फैला हुआ ना, इतना फैला हुआ ना, मैंने सोचा था कि घर बिल्कुल क्लीन करके जाऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो अभी हर तरफ बस सामान सामान ही फैला हुआ है। अब जो भी हो आके ही सेट करेंगे हम। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने, ठीक है?